बिटवा, ओ बिटवा। हाँ ग्रैनी। बिटवा जरा सारी विंडोज तो साफ कर दे, बहुत गंदी हो गई है। ठीक है ग्रैनी। अरे ये किसके हंसने की आवाज आ रही है? चलो इस वीराने से जंगल में मुझे एक आशा की किरण तो जगी। इस खंडर से बंगले में कोई होगा कि नहीं, चलो पता लगाया जाए। अरे तुम कौन हो? अरे मैं किसी को ढूंढ ही रहा था कि कोई मेरी मदद करे और तू ही मिल गया। क्या चाहो? मैं जिग्नेश था जुगुड़ा। जिग्नेश, लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंचे? वो क्या हुआ कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ ना कैंपिंग के लिए निकला था और मैं रास्ता ही भटक गया। oh, no. और मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। पूरे जंगल में ढूंढ के मुझे बंगला मिला तो मैंने सोचा यहाँ के मदद लेनी चाहिए। फोन में ना सिग्नल भी नहीं है, आप मेरी मदद कर देंगे प्लीज? देखो तुम्हें यहाँ पे कोई मदद नहीं मिलने वाली, उल्टा तुम मुसीबत में फंस जाओगे, यहाँ से चले जाओ। ओहो, अंगराने से मना कर रहा कि इतना बेशरम है, ऐसे नहीं कि गैस चाय उसको चाय पानी ही पूछ ले। चल हट। अरे कहाँ जा रहे हो? सुनो तो। oh, no. देखो मैं सच बोल रहा हूँ, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, अभी कभी निकल जाओ। How dare you stop me? यहाँ पे जो बुढ़ा और बुढ़िया रहता है ना, वो तुम्हें अगर देख लेंगे तो तुम्हें कैद कर लेंगे। ओह माय गॉड। अरे तो मेरी बात नहीं सुन रहा, मैं सच बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनो, तुम्हें यहाँ पे मुसीबत। ओह नो। अरे ये क्या गया? अरे कौन हो तुम और अंदर कहाँ घुसे चले आ रहे हो? अब तो ये जिग्नेश गया समझो। जय श्री कृष्ण, मैं हूँ जिग्नेश द जुगुड़ा, सबका दिल का टुकड़ा। ओ पालगू। जिग्नेश बिटवा, क्या तू इसे लेकर आया है? ओह नो ग्रैनी, मुझे नहीं पता ये कौन है, ये तो खुद ब खुद अंदर आ गया है। ये आपको ग्रैनी बोल रहा है मतलब? मतलब आप बा हुई? बा? हाँ बा, मैं अपनी दादी को प्यार से बा बोलता हूँ, वो भी आपकी तरह एकदम क्यूट, भोली, इनोसेंट और बहुत ही दयालु है। हाँ क्यों नहीं, तू मुझे बा बुला सकता है। वो क्या हुआ कि मैंने अपना रास्ता भटक गया? अरे ये सब छोड़िए, ये बहुत लंबी कहानी है। वो क्या है कि दूर से चलते चलते आ रहा हूँ ना, तो मेरा गला सूख गया और भूख भी बहुत लगी है। oh, no. आजा जिगुड़ा, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। अरे देखो तो जरा इस जिग्नेश तो जिगड़ा को, एक नंबर का चापलूस है चापलूस। आते ही इसने ग्रैनी को शीशे में उतार लिया। अरे जिगुड़ा बच्चे, तू हमारे बंगले में पहुंचा कैसे? मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कैंपिंग के लिए निकला था बा, वो मुझे बहुत जोर के लग गई थी ना, तो मैं झाड़ी ढूंढ रहा था, झाड़ी ढूंढते ढूंढते मैं बहुत आगे निकल गया। वापस आकर देखा तो मेरे फ्रेंड्स वहां थे ही नहीं, मैं खो चुका था। मैंने उनको फोन भी किया, हेलो, लेकिन फोन ही नहीं लग रहा था क्योंकि सिग्नल ही नहीं था। पर देखो मैं कितना लकी हूँ कि मुझे क्यूट सी एक और बा मिल गई। अरे ये कितनी प्यारी बातें करता है, कुछ ही टाइम में इसने अपनी प्यारी बातों से मेरा दिल जीत लिया है। वैसे बा, आप यहाँ अकेले रहती हैं? अरे बिटवा के साथ साथ इसके ग्रैंडपा भी यहाँ रहते हैं। तू बता रहा था ना, वो कुखार भयानक बूढ़ो। oh, no. लगता है ग्रैंडपा आ गए। अरे ग्रैंडपा, आप कहाँ रह गए थे? वो मैं ट्रैफिक में फंस गया था, इसलिए आने में देरी हो गई। जय श्री कृष्ण बापूजी। कौन है तू और मुझे बापूजी क्यों बोल रहा है? निकल हमारे घर से। ऐसे कैसे निकल? अरे बात करने की तमीज नहीं है क्या?
बुढ़ऊ, अगर तूने जिगुड़ा के बारे में एक भी शब्द अपने मुंह से निकाला ना तो मैं तेरी आते निकाल दूंगी। लेकिन बेबी ये है कौन और यहाँ क्या कर रहा है? ये है जिग्नेश का जिगुड़ा, सबके दिल का टुकड़ा। अब ये कुछ दिन तक हमारे साथ रहेगा। नॉटी बॉय, आप लिटल लिटल काला खट्टा लगा कर आए हो ना? बाय, अब पी कर आया। अरे तुझे अकल भी है, ये तू क्या बोल रहा है? बुढ़ाओ, आज भी तू चढ़ा कर आया है क्या? जाना, ये कुछ भी बक रहा है, इसकी फालतू बातों पे विश्वास मत करो। बाबू, मैं तुम्हें मेहमान के सामने कुछ कहना नहीं चाहती, जल्दी से जाके हाथ मुंह धोकर आ जाओ। पा, एक बात बोलूं, बुरा मत मानना, वैसे तो मैं इस घर का मेहमान हूँ, लेकिन आपने बोला है कि मैं इस घर का सदस्य हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। इस उम्र में ये सारी हरकतें शोभा नहीं देती, लगाम खींच के रखी है। हाँ, तूने सही कहा। अरे ब्रो, क्या देख रहा है? वेब सीरीज देखने का टाइम हो गया, प्लीज कुछ मस्त सी नई वेब सीरीज लगा देना। जा बिटवा, इसकी पसंद की वेब सीरीज लगा दे। हाँ ठीक है, लगाता हूँ। गुड नाइट ग्रैनी, गुड नाइट जिग्नेश। बा, मैं कहाँ सोऊंगा? अरे जिगुड़ा, जहाँ तेरा मन कर रहा है वहाँ सो ले। मुझे ये कमरा बहुत पसंद है, तो मुझे यहाँ सोना हो। लेकिन ये तो मेरा रूम है जिग्नेश। अरे तुझे कोई शर्म लिहाज है कि नहीं? तुझे अपने गेस्ट को उसके पसंद का कमरा देना चाहिए। हाँ बेटवा, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है, जहाँ उसका मन है उसे वहीं सोने दे। अरे तू तो यही रहता है बेटवा, तू तो कहीं भी सो जाएगा। Oh no! जिगुड़ा, बाबू, बिटवा, खाना रेडी है, जल्दी आ जाओ। आ गया स्वीटी। आ गया ग्रैनी। हट जा बिटवा, यहाँ पे जिगुड़ा बैठेगा, तू कहीं और बैठ जा। ओह नो। आ गया बाप। अरे वाह, ये तो सब मेरी मन पसंदीदा चीजें हैं। और ग्रैनी मेरी? अरे बिटवा, रोज तो तेरी पसंद का ही खाना बनता है ना। पहले बिटवा बिटवा बिटवा, अब जिगुड़ा जिगुड़ा जिगुड़ा। ओह नो, ओह नो। बुढ़ाओ, कितनी बार कहा है मेहमानों के सामने बेइज्जती मत करवाया कर, जाकर हक करा। बापूजी, आप जिग्नेश है, किसी चीज में नहीं जीत सकता। अच्छा तो ये बात है। अरे इससे तो कोई नहीं जीत सकता। अरे वाह, लोन देगी? दे दे दे। अरे जिग्नेश, मेरे फोन में किससे बात कर रहे हो? वो लोन देने के लिए किसी का फोन आया था और मैं बहुत बोर हो रहा था, तो सोचा थोड़ा टाइम पास कर लूं। बा, बा उठे ना बा। अरे जिग्नेश तुम, चलो मैं आपको एक जॉक सुनाता हूँ। अरे बेटा इस टाइम सुबह सुना लेना, अभी जाके सो जाओ। अरे सुनो ना, एक बार एक आलसी बेटा, मतलब बिटुआ जैसा एक आलसी बेटा अपने पापा को बोलता है, पापा मुझे प्यास लगी है, पानी लेकर आना। तो बाप बोलता है कि नहीं तू खुद ले ले। तो बेटा बोलता है, पापा प्लीज लाओ ना। तो बाप बोलता है, तूने अब पानी मांगा ना तो आकर तुझे थप्पड़ मारूंगा। तो बेटा बोलता है, पापा जब थप्पड़ मारने आओगे तो एक ग्लास पानी भी लेकर आना। अरे कितना पका रहा है ये। अच्छा था, शुक्र को एक और सुनाता हूँ। बापू जी, आपको देख के एक जोक याद आया। अरे अभी नहीं। अरे सुनिए। अरे ये मैं कहाँ फंस गया। एक बार एक शराबी को पुलिस वाला पूछता है, शराबी तूने इतनी शराब क्यों पी है? तो शराबी बोलता है, साहब वो मेरी मजबूरी थी। तो पुलिस वाला बोलता है, क्या मजबूरी थी तेरी?
तो शराबी बोलता है वो साहब बोतल का ढक्कन घूम गया था इसलिए मुझे जबरदस्ती पूरी पीनी पड़ी। बचाओ। Oh no. मागरू तेरे लिए जोक लेकर आया हूँ, सुन। अरे पहले ही 36 जोक सुना चुके हैं, अब ना ही सुना जाएगा। एक बार क्या होता है, एक टीचर पूछती है, बताओ बच्चों कि ये छिपकली क्या होती है? तो बच्चा बोलता है, मैडम मैं बताता हूँ। मैडम छिपकली एक गरीब मगरमच्छ है जिसको बचपन में बॉर्नविटा वाला दूध नहीं मिला जिसके कारण वो कुपोषण का शिकार हो गई। ओके सी यू। ये कहाँ चला गया? पता नहीं घर में मैं जिसको भी जोक सुना रहा हूँ वो क्यों गायब हो जा रहा, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। बिटवा बिटवा इधर आ। हाँ ग्रैनी। जिग्नेश अभी नहाने गया है, यही सही मौका है। बिटवा मुझे जिग्नेश से बचा। लेकिन ग्रैनी जिग्नेश तो आपको बहुत पसंद है ना, और वो कितनी मीठी मीठी और प्यारी बातें करता है, उसने तो आपका दिल भी जीत लिया है। हाँ वो शुरू शुरू में था लेकिन अब नहीं है, इसने मेरा जीना हराम कर दिया है, जी का जंजाल बन गया है ये। बिटवा तू ही हमें इस मुसीबत से बचा सकता है। जय श्री कृष्ण आंटी। हाँ हाँ जिग्नेश यही है। जिग्नेश हाँ बोल, तुम्हारी मम्मी का फोन आया है। हाँ माँ जय श्री कृष्ण। माँ तेरे कितनी आधार है जी। हाँ मैं फोन ट्राई कर रहा था लेकिन सिग्नल नहीं है ना फोन में, इसलिए फोन ही नहीं लग रहा था। वाह क्या आपको मेरी याद आ रही है? हाँ माँ मुझे भी आपकी याद आ रही है। ठीक है वैसे मेरा आने का मन नहीं कर रहा लेकिन मैं आ रहा हूँ, अब भी निकल रहा हूँ। बाय 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 बाय। ओह नो। अरे जिगड़ा बेटा किसका फोन था? मेरी माँ का फोन था ग्रैनी, उसको मेरी बहुत याद आ रही है और मुझे भी, इसलिए अब मैं जा रहा हूँ। चल मैं तेरा सामान पैक कर देती हूँ। ओह हाउ स्वीट। चलो बापू जी ब्रो मैं चलता हूँ। बाय जिग्नेश अपना ख्याल रखना। बाय जुगड़ा बच्चे, मुझे तेरी बहुत याद आएगी, वहाँ पहुँचते ही मुझे फोन करना। अपना ख्याल रखना जिग्नेश। वाह आपका बनाया हुआ खाना मुझे बहुत याद आएगा। हाँ टेंशन मत लीजिए, बीच में आता जाता रहूंगा। ओके बाय सी यू। ओके जय श्री कृष्ण। चलो ये बला तो टली। बिटवा तेरा प्लान तो कामयाब रहा। चलो ग्रैनी अब मस्त सा कुछ खाने के लिए बना दो। ठीक है चल तू भी मेरी मदद कर। लेट्स गो। जय श्री कृष्णा। अरे नहीं जिग्नेश तुम, मैं आधे रास्ते तक पहुंच गया था फिर मुझे याद आया कि माँ का फोन तो तेरे फोन में आया था और माँ के पास तो तेरा फोन नंबर है ही नहीं, तो माँ तुझे कैसे फोन करेगी? फिर मुझे याद आया कि जरूर यह किसी का प्रैंक कॉल होगा। किसी ने बहुत ही गंदा मजाक किया था, वो मुझे मिलेगा ना तो मैं उसकी खूब सुताई करूंगा। Oh no. लेकिन जिगड़ा बच्चे तेरी छुट्टियां तो सिर्फ एक हफ्ते की थी ना? अरे बा एक हफ्ते की तो सिर्फ कैंपिंग थी, छुट्टियां तो मेरी एक महीने की पड़ी है, अब मैं पूरा एक महीना यही रहूंगा। क्या नहीं।
हाय गाइस, आई होप आपको जिग्नेश से मिलकर खूब मजा आया हो। तो फटाफट से मोहक मी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्द से मिल जाए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। आपको जिग्नेश के जोक्स कैसे लगे ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें एंड बेल आइकन भी दबा दें एंड सब्सक्राइब करें टू मोहक मी।